नमस्कार, आप देख रहे हैं कमिंग अप न्यूज। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दिल्ली में बैठे बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा है कि मशहूर डांसर सपना चौधरी को लेकर वे 30 तारीख को एक अहम घोषणा करने जा रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि सपना चौधरी के बीजेपी में शामिल होने की घोषणा इस दिन की जा सकती है। मनोज तिवारी के इस बयान से अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद सपना चौधरी अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगी। इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने दावा किया था कि सपना चौधरी कांग्रेस में शामिल हो गई हैं, लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस बात का खंडन किया था। ऐसा दावा किया जा रहा था कि कांग्रेस की ओर से सपना चौधरी बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी के खिलाफ मथुरा सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। इन अटकलों पर तब विराम लग गया जब कांग्रेस ने मथुरा संसदीय सीट से महेश पाठक को प्रत्याशी घोषित किया। सपना कहां से चुनाव लड़ेगी ऐसी फिलहाल कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उनकी फैन फॉलोइंग देखते हुए कहा जा सकता है कि वे हरियाणा से चुनाव लड़ सकती हैं, क्योंकि हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सपना के फैन सबसे ज्यादा हैं।